नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि यहाँ पर बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है लखपाल का वो अंडर प्रोसेस में है, या फिर बहुत से लोगों को जो कुछ भी दिक्कत है उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जिनका कि एप्लीकेशन कह रहे हैं कि हमारा पेंडिंग दिखा रहा है, जबकि फॉर्म डाउनलोड हो गया है। डैशबोर्ड में जाने के बाद उनका कह रहे हैं कि यहाँ पर जब जा रहे हैं एप्लीकेंट डैशबोर्ड लॉगिन PUT के थ्रू रजिस्ट्रेशन करके जो यहाँ पर है, इनका कह रहे हैं कि ये सब कि दिखा रहा है यहाँ पर कि पेंडिंग है फीस, जबकि फॉर्म डाउनलोड हो चुका है, या फिर कह रहे हैं हमारा जो फॉर्म डाउनलोड हुआ है उनका अंडर प्रोसेस में है। तो देखिए इस तरह से आपके पास भी देखिए, ये जब हमने फॉर्म अपना प्रिंट किए थे तो यहाँ पर देखिए ये दिखा रहा था करंट स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, योर एप्लीकेशन इज अंडर प्रोसेसिंग। तो ये हमारा डेट यहाँ पर देख सकते हैं 11/1/2022 को हम अपना यहाँ पर ये फॉर्म सबमिट किए थे और प्रिंट निकाले थे। तो उस समय जो स्टेटस दिखा रहा था उसका तक योर एप्लीकेशन इज अंडर प्रोसेसिंग, लेकिन अब देखिए यहाँ पर ये हमारा जो एप्लीकेशन है ये अंडर प्रोसेसिंग से हटके अब देखिए यहाँ पर क्या आ चुका है हमारे पास। तो यहाँ पर देखिए जब आप लोग इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको दो दिखेंगे, एक तो देखिए यहाँ पर एक दिखेगा एप्लीकेंट डैशबोर्ड लॉगिन थ्रू PUT रजिस्ट्रेशन नंबर। इसके थ्रू जब आप लोग लॉगिन करेंगे तो देखिए आपके सामने कुछ इस तरह से खुल कर आएगा। कहाँ पर गया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पर आपका खुल कर आएगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए हमारा जो दूसरे नंबर का फॉर्म है 01/1/2022 लखपाल, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा सब कुछ सबमिट हो चुका है। यहाँ पर जो हमारा फीस पेंडिंग दिखा रहा था जबकि हमारा फॉर्म सब कुछ प्रिंट हो चुका था, और यहाँ पर हमारा ये पेंडिंग दिखा रहा था लेकिन अब यहाँ पर ये फाइनली सबमिट हो चुका है। सबमिट कैसे हुआ था कि हमने डबल वेरीफिकेशन किया था, जो भी हमारा ट्रांजेक्शन था उसका वेरीफिकेशन करना पड़ा था। तो उसका वीडियो हम आपको अलग से बना के बता दिए हैं, अगर आप लोग नहीं देखें तो आप लोग जाके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक आपको मिल जाएगा कि फीस पेमेंट पेंडिंग का प्रॉब्लम है, या फिर फोटो सिग्नेचर अगर आपका नहीं आ रहा है प्रिंटआउट कैसे निकालें, ये सब हो गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्म कैसे भरें, ये इन सब के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है लेखपाल के बारे में। लेकिन यहाँ पर देखिए इस तरह से आप अगर आप लोग अपना प्रिंट नहीं निकाल पाए तो यहाँ से आप लोग करके अपना प्रिंट डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए व्यू एप्लीकेशन स्टेटस, यहाँ पर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको एप्लीकेशन यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, और करंट स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन में देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि अंडर वेरिफिकेशन प्रोसेस में यह हमारा चला गया है। तो ये हमारा अंडर वेरिफिकेशन प्रोसेस में, अभी तक तो हमारा दिखा रहा था कि हमारा ये क्या है कि पेंडिंग में है, यहाँ पर देख सकते हैं कि अंडर प्रोसेसिंग में है अब, लेकिन यहाँ पर अपडेट होकर क्या हो कि अंडर वेरिफिकेशन प्रोसेस में चला गया है। लेकिन जब आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो इसके बाद यहाँ पर एक और है आपको स्टेटस चेक करने का ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि भी हम आपको दिखाने वाले हैं यहाँ पर, अभी आप लोग देखिएगा, जैसे कि ये वाला है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि योर एप्लीकेशन ID विथ, यहाँ पर जब आप लोग जाएंगे ये देखिए यहाँ पर एक साइड में दिख रहा है कि योर नो योर एप्लीकेशन स्टेटस। जब आप लोग इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना स्टेटस यहाँ पर क्लिक करने के लिए ऐसे यहाँ पर टच करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका जो आएगा व्यू एप्लीकेशन स्टेटस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं व्यू एप्लीकेशन स्टेटस। जो आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके सामने जो पेज होगा कुछ इस तरह से खुल कर आएगा, और यहाँ पर आपको अपना लखपाल वाला रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डाल के यहाँ पर जेंडर चूज करके वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर डाल देंगे तो देखिए आपके सामने जो पेज होगा कुछ इस तरह से खुल कर आएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पर लिख कर आएगा योर एप्लीकेशन ID, यहाँ पर दिखेगा हैज रीच टू कमीशन ऑफिसर एंड इट इज अंडर वेरिफिकेशन प्रोसेस। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा ये आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपका अंडर वेरिफिकेशन प्रोसेस में चला गया है, ये कह रहा है कमीशन ऑफिस पर। ठीक, तो इस तरह से आपका अंडर प्रोसेस जो है आपका दिखा रहा है वो आपका कुछ दिन में अपडेट हो जाएगा, जब आपका फॉर्म भर के सबमिट हो जाएगा 1-2 दिन का समय लगेगा, फिर आपका भी अंडर वेरिफिकेशन प्रोसेस यहाँ पर जो आपका कमीशन ऑफिस है वहाँ पर आपका पहुँच जाएगा। ठीक, तो आपका ये सब समस्या दूर हो जाएगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी अभी ये आपका जब तक फॉर्म भरा जा रहा है तब तक ये आपका इसी तरह से दिखाएगा कि योर एप्लीकेशन फॉर्म इज अंडर प्रोसेस, या फिर कि कमीशन ऑफिस पर ये आपका फॉर्म भेज दिया गया है। लेकिन जब आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट होगा तो उसके कुछ दिन पहले ये आपका एप्लीकेशन स्टेटस अगर आप लोग चेक करेंगे तो आपका दिखाएगा कि आपका जो फॉर्म है अगर सही तरीके से भरा गया होगा तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट वहाँ पर दिखाएगा, अन्यथा अगर कोई दिक्कत होगी तो वो लिखेगा कि योर एप्लीकेशन फॉर्म इज नॉट एक्सेप्टेड, आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ी पाई जाएगी। तो ठीक, तो ये आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आपका फॉर्म सही तरीके से भरा गया है, और जब ये आपका स्टेटस आप ना चेक करते रहिएगा, जब भी ये आपका फॉर्म भर के कंप्लीट होगा तभी अच्छी तरीके से सभी लोगों का इकट्ठे पता चलेगा कि किसका फॉर्म
फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, किसका नहीं एक्सेप्ट हुआ, ये आपका बाद में पता चलेगा, ठीक। लेकिन ये आपका सभी लोगों का फॉर्म भरा जा रहा है। तो यही है आपको बताना था। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बाकी अगर कोई दिक्कत हो आप हमें से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों को बता दें कि बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर हमारा तीन तीन बार चार चार बार रजिस्ट्रेशन हो गया है तो क्या करें। तो देखिए दोस्तों आप लोग घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ऐसा बहुत से लोगों के साथ हुआ होगा। अब यहाँ पर देखिए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन जो आप लोग किए हैं तो यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक। अब बाकी अगर आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर अगर SMS आ चुका है और इसके बाद आप का फ़ोटो और सिग्नेचर वहाँ पर अगर शो नहीं कर रहा है, अपलोड नहीं हो रहा है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं कि गलती से क्या कर रहे हैं, फिर वही रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर जाके आप फिर से कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर दे रहे हैं, लेकिन जो कि आपका गलत है। इस तरीके से आपको नहीं करना था। आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अगर अपलोड नहीं है तो आपको अगर कैंसिल कर दिए हैं तो कोई बात नहीं, तो यहाँ पर जो आपका फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोडिंग है ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करके आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो यहाँ पर लेखपाल वाला मिला है उसको यहाँ पर डाल के डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और डोमिसाइल ऑफ UP और कैटेगरी और ये सब वेरिफिकेशन जो कोड है ये सब डाल के आपको प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करके आपको अपना आगे का प्रोसेस कर लेना चाहिए था। लेकिन आप लोगों ने गलती किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आप लोगों का फ़ोटो और सिग्नेचर अगर अपलोड हो चुका है और फिर भी अगर आप लोग सबमिट नहीं कर पाए हैं तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिल रहा है आप लोगों को फी डिपोजिशन का। इस फी डिपोजिशन पर क्लिक करके भी आप अपना ये जो फॉर्म है उसका फीस आप लोग जमा कर सकते हैं यहाँ से। और अगर आप लोगों का अगर प्रिंट नहीं डाउनलोड हुआ है तो भी आप लोग यहाँ पर अगर बाई चांस आपका फीस पेंडिंग में है तो भी आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर आपको डबल वेरिफिकेशन का प्रोसेस मिल जाएगा। तो यहाँ से आप लोग अपना फी डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आपका फी डिपॉजिट हो गया, अगर आपका प्रिंट नहीं डाउनलोड हो रहा है तो यहाँ पर देखिए प्रिंट डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ से आप अपना प्रिंट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। अगर बाई चांस आपका फीस पेंडिंग में है और पैसा भी कट चुका है तो आपको यहाँ पर देखिए आपका जो ट्रांजैक्शन आईडी है यहाँ पर जब देखिए अपडेट योर ट्रांजैक्शन आईडी बाय डबल वेरीफिकेशन मोड, तो इस पर क्लिक करके आप अपना ट्रांजैक्शन जो आपका आईडी है आप उसको अपडेट कर सकते हैं। वहाँ पर जितना आपका ट्रांजैक्शन हुआ रहेगा तो वो आपका यहाँ पर शो करेगा, ठीक। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको अपना कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है जो आपका है, डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद यहाँ पर जेंडर और चूज करके ये सब आपको अपना डबल वेरिफिकेशन कर लेना है। डबल वेरिफिकेशन कैसे करना है उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, हमने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है। और यहाँ पर आपको और ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि अगर आपका फॉर्म में कुछ गलती हुआ है तो आपको यहाँ पर मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है, तो आप लोग यहाँ पर अपने फॉर्म में मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपको मॉडिफाई EWS डिटेल, अगर आपको मॉडिफाई करना है EWS डिटेल तो आप यहां से भी अपडेट कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि आपका सारा का सारा डाउट यहां पर क्लियर हो गया होगा। बाकी देखिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फॉर्म कैसे भरना है, फोटो और सिग्नेचर अगर अपलोड नहीं हुआ कैसे अपलोड करना है, और फिर डिपोजिशन अगर हो गया, अगर पेंडिंग दिखा रहा है तो आपको डबल वेरीफिकेशन कैसे करना है, प्रिंट कैसे डाउनलोड करना है अगर फोटो और सिग्नेचर नहीं आ रहा है, तो उन सब का वीडियो हम आपको सेपरेट बना के डाल दिए हैं और उन सभी का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।